नमस्कार साथियों, आज मैं कोई बात नहीं करूंगा, देख सीधे सीधे वीडियो की तरफ चल रहा हूं। आपकी गाय के भैंस के थनों में गांठ बन जाती है, सूजन आ जाती है, अडर पत्थर हो जाता है, एकदम दबाने पर बहुत टाइट दबता है, दूध ठीक से नहीं निकल पाता है, दूध की पतली धार हो जाती है। तो इन सब समस्याओं का समाधान मैं पहले ही करना चाहता हूँ। स्वस्थ हमारी गाय भैंस है, उससे पहले ही हमें कुछ चीज़ें खिलानी पड़ेंगी जिनसे हमारी गाय भैंस में मस्टाइटिस नाम की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी तरीका की। तो सबसे पहली सावधानी आपको बता दें कि हमारी गाय का प्रसव जो है आसानी से होना चाहिए और समय पर उसकी डिवार्मिंग कराते रहना चाहिए बिल्कुल, यानी कि नॉर्मल आप खाना खिलाएंगे, कोई VIP दवाई आज मैं नहीं बताने वाला हूँ। आज बहुत सादा और फ्री की दवाइयाँ बताने वाला हूँ मेरे प्यारे साथियों, तो आज आप उन पर अमल कीजिएगा। यदि आपकी गाय भैंस ब्याने वाली है या ब्या गई है तो अपनी गाय के भोजन में एक चीज़ हमेशा के लिए शामिल कर लीजिए, उसमें क्या है, 100 ग्राम अकौआ के पत्ते जिसको आक बोलते हैं, उस आक के 100 ग्राम पत्ते, 100 ग्राम नीम के पत्ते, 100 ग्राम बकायन जिसे बोलते हैं, बकायना भी बोलते हैं, ये संजीवनी बूटी के समान कार्य करता है। सप्ताह में एक बार अपने पशु को खिलाते रहिएगा, चाहे संडे का दिन रख लो, कोई भी एक दिन रख लीजिए, उसे हमेशा ये 300 ग्राम पत्ते सप्ताह में एक बार जब तक खिलाते रहेंगे, आपकी गाय भैंस को किसी प्रकार का थनेला नाम की चीज़, मस्टाइटिस नाम की कोई बीमारी नहीं होगी। बच्चा देने के टाइम पर जो अडर में सूजन आ जाती है वो भी बिल्कुल नहीं होगी। अब चलते हैं सीधे कि यदि मान लो कि थनेला हो गया, अडर एकदम पत्थर हो गया, दबाने पर नहीं दब रहा है, थन में गांठ हो गई है या दूध की पतली धार आ रही है, तो हमें क्या करना है। अभी मैंने जो पत्ते बताए हैं 100-100 ग्राम पत्ते सबके लेने हैं, उनमें दो चीज़ के पत्ते और बढ़ा देने हैं, 100 ग्राम अड़ूसा के पत्ते जिसे बाकस नाम से भी जानते हैं या काला बाकस नाम से जानते हैं, और 100 ग्राम आंवला के पत्ते। ये पांच प्रकार के पत्ते जो हैं 100-100 ग्राम आप अपनी गाय भैंस को एक सप्ताह खिला दीजिए, किसी भी प्रकार का अंदर तक बैक्टीरिया चला गया थनों में, अडर में पहुंच चुका है और अडर की नसों को वो डैमेज कर रहा है, दूध में छिछड़ा आ रहे हैं, दूध में पानी जैसा आ रहा, फटा फटा दूध आ रहा, हल्का लाल रंग का दूध आ रहा है, एक सप्ताह खिलाने पर ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब आते हैं सीधे से, यदि अडर टाइट हो गया है और अडर की जो बाहरी दिखने वाली प्रॉब्लम्स हो गई हैं उनके लिए आपको क्या करना है। 100 ग्राम फुलवा का तेल लेना है, 100 ग्राम अरंडी का तेल, 50 ग्राम आमा हल्दी लेनी है, इसको अम्बा हल्दी के नाम से भी जानते हैं, ये चोट वगैरह में काम आती है, 25 ग्राम लाल फिटकरी लेनी है, 10 ग्राम लाहौरी नमक लेना है, 10 ग्राम तंबाकू वाला चूना और 25 ग्राम ढाक पलाश के फूल का पाउडर, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीका से मिक्स कर लीजिए, खूब अच्छी तरीका से मिक्स करके एक क्रीम बना लीजिए। जैसे ही ये क्रीम बनकर तैयार हो जाती है, जहाँ पर आपकी गाय भैंस का अडर टाइट हो चुका है या एक साइड ऊपर चढ़ गई है या एक थन ऊपर टंग गया, छोटा हो गया, थन के ऊपर सिकुड़न आने लगी है, गाय का थन हल्का काला पड़ने लगा है, ऊपर का अडर उतना हिस्सा जो ऊपर का है थन के ऊपर का वो काला पड़ने लगा है या एक थन में दूध कम आने लगा है, ऐसी कंडीशन में ये वाला जो सॉल्यूशन लास्ट में मैंने बताया, ये क्रीम जो बनाई है वो एक सप्ताह तक आपको लेप करनी है, सुबह और शाम दूध निकालने के बाद पूरे अडर पर लेप करनी है और थनों पर लेप करनी है, तो ये भी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा और बहुत ही सस्ते में हो जाएगा। और यदि आपको ऑल ओवर इंडिया में किसी भी प्रकार की हमारे द्वारा बताई हुई दवाइयाँ नहीं मिलती हैं तो आप हमारे लिए कॉल कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, हम आपके घर तक 3 से 4 दिन में दवाइयाँ पहुँचाने का भी कार्य करते हैं बाई पोस्ट। और यदि इन केस ऑफ फ्यूचर आपके पशुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है,
इस पर आप 24 घंटे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी पशु की समस्या बता सकते हैं और मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। और फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय राम जी की।